Himalaya Quista Pro has superior protein wear. The healthy way to fitness. मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा बल्कि अब्दुल की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी में है। सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी में है। अब्दुल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी। भारत का नाम आज देश में दुनिया में पहले नंबर पर हो रहा है उसको देखते हुए और जो हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं चला रही हैं उसको देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। कि इस अदने से अब्दुल भी और अब्दुल से भी कहना चाहूँगा कि प्यार से प्यार होता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। 10 बार के विधायक हैं आजम खान। वो मैदान में नहीं है जी। वो मैदान में नहीं है। वो मैदान में नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शानू फसाद साहब, जो आजम खान के खास आदमी थे, आजम खान के मीडिया प्रभारी थे, आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। पूछते हैं क्या है वजह। जी शानू साहब क्या कहेंगे? मैंने तो बार बार कह दिया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की नीतियों में आस्था रखते हुए और भारत का नाम आज देश में दुनिया में पहले नंबर पर हो रहा है उसको देखते हुए और जो हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएँ चला रही हैं उसको देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। हमेशा आपने अब्दुल का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी में थे, आपने कहा कि अब्दुल दरी उठाएगा जी। क्या वो अल्फाज शानू फसाद के थे या वो आजम खान के थे? ये इन चीज़ों को छोड़िए, आप मेरे मुंह में अपनी ज़बान मत डालिए। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा बल्कि अब्दुल की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी में है। सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी में है। अब्दुल का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में। वजह क्या रही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन? अभी तो बताया कि उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैंने बताया तो भाई, दबाव था क्या? अरे नहीं, दबाव क्यों होगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो भयमुख समाज दिया है। अच्छा। जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा। तब सवेरा जी। आज ज्वाइन किया है, कैसा महसूस कर रहा है? कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि इस अदने से अब्दुल भी और अब्दुल से भी कहना चाहूँगा कि प्यार से प्यार होता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए ये आज छोटा सा कमज़ोर सा गरीब सा अब्दुल अपना सहयोग करेगा। काफ़ी लंबा समय दिया है आपने आजम खान साहब को, मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, तो आज आपने ज्वाइन किया, तो क्या इसका असर मेनपुरी और खतौली में भी देखने को मिलेगा? मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, बहुत मामूली से कार्य करता हूँ, आप तो मेरी ज़िंदगी से वाकिफ हैं। जो मिल गया वो कपड़े पहन लिए, किसी की भी बाइक पे बैठ गया चल दिया, तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, हर अब्दुल समझ रहा है कि उसका हित भारतीय जनता पार्टी में ही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी भी जीत रही है, खतौली भी जीत रही है। हाँ, ये अब्दुल भारतीय जनता पार्टी के मतों में, आकाश सक्सेना साहब के मतों में अंतर बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करेगा। हो सकता है मेरी वजह से एक वोट बढ़ जाए। आज़ादी के बाद आज तक कमल निकला इस सीट पर, क्या कहेंगे इस बार क्या खेलने जा रहा है? अध्याय हमेशा नया रचा जाता है, इतिहास हमेशा नया रचा जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल न सिर्फ खेलने जा रहा है बल्कि भारी मतों से खेलने जा रहा है। 10 बार के विधायक हैं आजम खान। वो मैदान में नहीं है जी। वो मैदान में नहीं है। वो मैदान में नहीं है। शानू खान कह रहे हैं, वो कहाँ है मैदान में जी? वो कहाँ है मैदान में? मैदान में नहीं है। वो कहाँ है मैदान में? तो लगता है आपको इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फतेह होगी? आपको भी तो पता है जी? आपको भी तो पता है, हर भारतीय को पता है कि रामपुर में कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, शानू फसाद साहब मौजूद थे जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।